अच्छा अभी ये करियो ना, अभी मैं जो ना एक नई ऑप्शन आई है ऑब्जेक्ट में जाके, और यहाँ पे ना रिपीट वाली ऑप्शन, ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है और ये अडोबी इलुस्ट्रेटर 2021 में आपको मिलेगी, लेकिन बल्कि 21 में भी नहीं मिलेगी, 21 का भी जो वर्जन जो होता है ना यहाँ पे नजर आता है। हेल्प में जाएं और यहाँ से अबाउट इलुस्ट्रेटर जो है ना इसको चेक करें, तो ये उसका ना 25.2 वर्जन है। तो जो 25.0 है वो भी 2021 के अंदर ही आया था, और 25.2 जो है ये भी 2021 के अंदर ही आया, तो इसलिए जो ना उसमें नहीं है, तो उसमें से ये वाला वर्जन जो है ना ये लोड करें, फिर आपको नजर आएगा ये। तो चलें ये भी, ये देखते हैं क्या है, इसको मैं स्केप प्रेस कर देता हूँ। इसमें भी वो वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और तरीका है, और ये बड़ा आसान है और बड़ा मज़ेदार तरीका है। इसमें सबसे पहले देखें क्या करते हैं कि यहाँ से एक जो है ना, यहाँ से ये ले लेते हैं, एलिप्स लेते हैं और इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, एलिप्स को इस तरह बनाया। इसको अभी जो है ना ये जो कर्वेचर टूल है इसको डबल क्लिक करें, एक कोना बन जाएगा तीखा सा, इसको प्रेस करें, इसको भी तो वो एज बन जाएगा ना। अब इसको कोई भी कलर कर ले, मतलब कि जिस तरह ये चले ये कर लेते हैं। अच्छा ये हो गया, इसमें ये वाला भी एक पत्ता हो गया ना। तो ये ऑप्शन देखिए अभी जो नई आई है अडोबी इलस्ट्रेटर 2021 में आई है, और इसको ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको करें रिपीट। ये देखें पैटर्न के बिल्कुल नीचे है, और मैंने ये साथ ही से पढ़ा रहा हूँ कि ये भी पैटर्न की तरह ही है, तो मैंने इसके साथ ही उसको शामिल कर दिया। तो रेडियल में यहाँ पे देखें अभी है कि रेडियल, इसको रिपीट करें इसको रेडियल में, तो जब इसको क्लिक करेंगे ना तो देखें ये जो है ना ये रेडियल में रिपीट हो गया है। अभी मैं बताता हूँ कि ये और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। अच्छा जब ये रिपीट हो गया ना, तो अभी इसको हिला के देखें, तो अभी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे पाथ लिखा था ना, अभी यहाँ लिखा हुआ है रेडियल रिपीट, मतलब कि अभी ये जो है ना पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको बड़ा करना है, तो यहाँ से देखें बड़ा करें। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर इसको गौर से देखें कि इसमें ये जो चीज़ें नजर आ रही है ना, ये नजर आ रही है कि ये नीचे नजर आ रही है ये वाली, तो इसको इसको देखें ये क्या करता है। इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करें, तो इनकी तादाद जो होती है ना पत्तियों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। चले मैं पहले एक और चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो है ना ये जो बना हुआ पॉइंट था गोल था, इसको पकड़ के थोड़ा बाहर की तरफ खींचे, तो देखें ये जो है ना ये पत्तियाँ जो है ये केली केली जिस तरह ये देखें नजर आ रही है, जरा ये पत्तियाँ बाहर की तरफ नजर आना शुरू हो गई हैं। और अभी मैं इसको ना, अभी क्या करें, बाहर जाएं, इसको यहाँ पे जाए किसी को डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, मतलब कि ये तो है ना, अभी देखें ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है रेडियल रिपीट, लेकिन जब इसको डबल क्लिक करेंगे किसी के ऊपर यहाँ पे, तो ये उसके अंदर चला जाएगा आइसोलेशन मोड में। किसी पत्ती के ऊपर भी जाएंगे ना, देखें बाहर में क्लिक करने लगा, अभी ये खूबसूरती ये है, ये इफेक्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इफेक्ट में तो पत्ती एक होती थी ना, लेकिन अभी देखें इफेक्ट में पत्ती ये तो पत्ती जो एक होती थी, अभी देखें व्यू में जाके अभी आउटलाइन देखें तो ये सारी की सारी पत्तियां हैं, मतलब कि ये ओरिजिनल चीज है हर एक चीज। तो अभी व्यू में जाते हैं दोबारा, इसको जीपीयू प्रीव्यू वापस आते हैं। अच्छा ये आ गया ना जब, तो अभी हम इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर चला गया, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के। अभी इसको देखें रोटेट करते हैं इस तरह, देखें रोटेट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे सेट करते हैं, तो ये देखें सेंटर की तरफ इनका मूव हो गया। अभी बाहर क्लिक करते हैं डबल क्लिक से, तो ये अभी जो है ना पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना ये रेडियल रिपीट है। रेडियल का मतलब होता है गोलाई में रिपीट होना किसी चीज़ का। इसको छोटा कर लें, देखें छोटा हो गया। अभी देखें इसके साथ जो है ना हम फासला का ज़्यादा नज़दीक कर सकते हैं, ये देखें जो मर्जी बनाना है ऐसे, ठीक है हो गया। इसके साथ हम इसकी पत्तियों की तादाद देखें, पत्तियों की गहराई, ये पत्तियां ज़्यादा हो गई ये कम हो गई इस तरह, और यहाँ से हम उसके टुकड़े देखें, यहाँ से इसका टुकड़ा कर लें, जैसे जैसे को घुमाते जाएंगे तो ये पत्तियां उतनी कम होती जाएंगी, मतलब कि आधी पत्ती बनानी हो तो ना, यहाँ से इसको दूसरी की तरफ से इस तरह, और दोबारा इसको पकड़ के वापस ले आए इस तरह, तो ये पूरी की पूरी फिट आ जाएगी इस तरह, ठीक है। इसको साथ इसके जोड़ दें जहाँ पे, तो ये मतलब कि रेडियल रिपीट हो गया। इसी तरह ये वाली ऑप्शन है ना यहाँ जहाँ भी नजर आ रही है, ये देखें 14 पत्तियां हैं, यहाँ से 15, 16, 17, 18 इधर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर ये है उसका डायमीटर का फासला, सेंटर से फासला, और यहाँ से देखिए कम भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करें यहाँ से, ये देखिए करीब करीब आ रही है, और ये देखिए यहाँ से दूर दूर जा रही है। और वैसे हमने ये कैसे किया था, इधर से ये इसके अपोजिट ना ये वाला जो कोना पर ये वाला गोलाई बनी होती है, इसको पकड़ के देखें इस तरह फूल बना लें, दूर ले जाएं इस तरह कुछ भी, और ये वाला जो, तो ये फिर जो है ना ये है मतलब के। अच्छा इसको थोड़ा क्रीप करते हैं पहले, इनको थोड़ा क्रीप करते हैं इस तरह, और ये है ये देखें ये पहले जो है ना ये उसका ओवरलैप है, रिवर्स ओवरलैप, मतलब कि अगर लेफ्ट वाली पत्ती ऊपर है तो ये जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पत्तियों की जो है ना राइट वाली पत्ती, चले पहले इसको जो है ना एक पत्ती को क्लिक करते हैं डबल क्लिक, और इसको स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा करते हैं, येलो कर लेते हैं ताकि नजर भी आए, इसका स्ट्रोक येलो किया और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें अभी इस बाहर क्लिक करें और इसको पकड़ें, ये देखें रिवर्स ओवरलैप, ये देखें पत्तियाँ जो है ना इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये देखें ना इस तरह। तो ये सारा जो है ना ये रेडियल रिपीट है, और ये बहुत जल्दी चीज़ बन जाती है, मतलब जो पहले हम अडोबी इलस्ट्रेटर में बाकी वर्जन में बहुत देर से बनाते थे, अभी इस ऑप्शन की वजह से बहुत जल्दी बन जाती है। उसके बाद देखें दोबारा जाएं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं,
ठीक हो गया, ये दोबारा रिपीट में जाएं, या फिर आगे ऑप्शन है कि इनकी मजीद ऑप्शन क्या है रेडियल की, तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएं तो ये रेडियल रिपीट की यहाँ भी वही ऑप्शन है जो हम पहले देख चुके हैं ना ये वाली। तो अभी फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं और आगे इसकी एक और ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे दोबारा रिपीट में जाएं और यहाँ से इसको रिलीज कर दें। रिलीज का मतलब होता है कि इसको ख़त्म कर दें, जो फिर वो वापस पहली की पहली आ गई। ठीक हो गया, तो चलिए अनडू करते हैं इसको, तो वैसे ही आ गया। तो ये हमारा था एक, अभी इसको कर लेते हैं डिलीट। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना वो ऑप्शन किस तरह की है। ठीक है, उसमें और भी थी ना, ऑब्जेक्ट में जाएं तो रिपीट में, अभी हमने ग्रेटर पढ़ना है और मिरर पढ़ना है, ये भी ज़बरदस्त है लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इनको जो समझने के लिए ना, जो कोई ऐसी चीज़ बनाए तो उसके लिए जो है ना, मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सिंबल्स पैनल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइब्रेरी में जाते हैं सिंबल्स में, और यहाँ से कोई जो है ना, मतलब कि यहाँ से चले नेचर लेते हैं। तो ये इसमें ना एक पैटर्न होते हैं, अभी मैं इसको बैक, यहाँ पे बैक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नेक्स्ट नेक्स्ट किए जा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये भी नहीं इतने अच्छे, ये भी यहाँ से और भी चलते जाएँ, इस तरह और भी चलते जाएँ, और भी आगे चलते जाएँ, ये चलते जाएँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाले। अच्छा, इनमें से एक नहीं, इसको पकड़ें, ये वाला जो है ना, ये पैटर्न जो है, इसको पकड़ के जो है ना, मैं अभी यहाँ पे रखने लगा हूँ, ये आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसको कोई कलर कर लें अभी यहाँ से, जो भी अपनी मर्जी का, जैसे रेड कर लें कलर। अच्छा ये, अच्छा इसको पहले ब्रेक कर लें, इसको सिंबल जो सिंबल थी ना उसको बाहर निकाल के यहाँ से थोड़ा ब्रेक कर लें। सिंबल्स का हम पढ़ेंगे परसों को। तो ये सिंबल्स आ गए, अभी इसको देखें कलर करें, ये रेड हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर, छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर लें। तो ये यहाँ पे, अच्छा इसको अभी देखते हैं क्या क्या कर, ये अभी इसको सिलेक्ट करें, ठीक हो गया, इसको यहाँ से पकड़ें, और ये ग्रुप ही है वैसे कंपाउंड। अच्छा ये इस तरह है ना, अभी यहाँ पे जाएं, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ से जाएं रिपीट में जाएं और इसको करें ग्रिड। ग्रिड का होता है वही जिस तरह टेबल की शक्ल में, इस तरह करें तो ये देखें रिपीट हो गया। तो इसमें खूबसूरती ये है कि इतनी जल्दी बन जाते हैं, ये देखें, ये अडोबी जो है ना 2021 का कमाल है इलस्ट्रेटर का। तो यहाँ से ज़्यादा करना हो इसको, ये जो होता है ना, यहाँ से ज़्यादा करना हो पैटर्न, यहाँ से देखें नीचे से ज़्यादा करें तो देखें कितनी खूबसूरत बैकग्राउंड बन गई मिनट में। ठीक हो गया, ये जो है बैकग्राउंड को छोटा बड़ा करने के लिए, और अगर यहाँ से करना है तो ये पूरी इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए। देखें यहाँ पे आ गई, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं यहाँ से, और अभी इसको पकड़ें, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लें, इस तरह रिपीट करते हुए ज़्यादा ले जाएं, इसको नीचे करें, ये देखें इस तरह ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो होती है ना, ये वाली, ये जो इसकी है, ये इसकी है फासला कम ज़्यादा करने के लिए। इसको पकड़े देखें, ये रोज़ का करीब करीब आ गई, रोज़ इसको थोड़ा खींचे नीचे की तरफ, ये दूर दूर चलेगी। इसी तरह इसको ये करें, दूर दूर चलेगी कॉलम, इस तरह ये नज़दीक नज़दीक आ गए। तो ये ऑप्शन होगी यहाँ पे, फिर देखें यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, कॉलम की ये फासले जो हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसकी ऑप्शन होती हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएं, दोबारा रिपीट में जाएं, और यहाँ से इसकी रिपीट की ऑप्शन में जाएं। तो अभी देखें ये जो ग्रेड है ना, इसमें ये कॉलम का फासला है जो हम पहले देख चुके हैं, कॉलम का ये जहाँ पे देख चुके हैं, ये फिर ग्रेड की टाइप है, इस तरह सीधी सीधी हो जाए ईंटों वाली। देखें ये देखें, अभी ईंटों वाली होगी, मतलब के दो के दरमियान में, और ये कॉलम के हिसाब से अगर देखना है तो अभी रोज तो सीधी सीधी मिले, अभी ये देखें दो कॉलम ये और ये इनके दरमियान में है, और ये जो है ना ये टेबल की शक्ल में, ये तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद ये है कि रोज को फ्लिप करना, अभी ये रोज इस जानब है ना, तो इसको देखें फ्लिप करें, तो देखें अभी एक रो सीधी है और एक रो उल्टी हो गई ना, फ्लिप हो गई तब, तो उसको दोबारा ऑफ कर लें। अभी एक रो को उल्टी समत में करना है ये, तो ये दूसरी समत में उल्टी हो गई, मतलब कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसी तरह कॉलम को अगर फ्लिप करना है तो देखें कॉलम एक इस तरह हो गया, और दूसरे को इस तरह क्लिक करें तो ये इस तरह। तो ये था फिर हमारा जो है रेडियल ग्रिड का सारा, जो रेडियल रिपीट का जो, सॉरी ग्रेड रिपीट का जो था ना ऑप्शन। तो अभी हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये इसको दोबारा जो है ना, हम वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको कर लेते हैं रिलीज, इसमें पैटर्न में, सॉरी रिपीट में जाते हैं और इसको रिलीज करते हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिनल एक आ जाएगा, ये वाला वो भी पाली। अभी हम पढ़ने लगे हैं एक और जो तीसरी ऑप्शन रह गई है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट में जाएं, दोबारा यहाँ से रिपीट में जाएं और इसको करें मिरर। मिरर का होता है कि ये इस तरह का मिरर, अभी इसको दोबारा बाहर क्लिक करें एक दफ़ा, ये देखें मिरर को जहाँ मर्जी ले जाएं, इस तरह पहली ऑप्शन होती है इसकी, ये देखें मिरर का लिखा हुआ ना, इस तरह इसको बड़ा करें छोटा करें, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद ये वाला जो होता है ना, ये उसका किस एंगल पे इसको करना है, मतलब कि ये तो 90 के एंगल पे ना, देखें किस एंगल पे इसको मिरर में देखना है, इस तरह देखें ये इस एंगल पे देखना है या कैसे देखना है, इस तरह ये 210 डिग्री पे एंगल पे। तो फिलहाल हम जो इसको 90 पे रखते हैं बाकी ऑप्शन समझने के लिए, तो ये देखें 90 पे आ गई ना। दूसरा ये कि इसको अभी छेड़ना है ना, तो इसको डबल क्लिक कर, मतलब कि इसको मजीद इसमें ऑप्शन जो है इसको डबल क्लिक करें इस पर, तो ये देखें अभी ये वाली हमारे पास आ जाएगी इस तरह।
अभी इसको पकड़ के ना लेफ्ट वाले को पकड़ना है, ये राइट वाले को नहीं पकड़ना है, राइट वाला जो उसका इमेज है ओरिजिनल ये वाला है, ये लेफ्ट वाला ओरिजिनल है और ये राइट वाला देखे पकड़ा नहीं जाएगा। तो ओरिजिनल जो है इसको पकड़े और इसको इस लाइन से जितना दूर ले जाए ये भी इतनी दूर चलता जाएगा, देखिए ये जितना मर्जी इसको दूर लेते जाए इस तरह चलता जाएगा, या फिर ये है कि इस लाइन को पकड़ के हिलाए, ये सेंटर वाले को पकड़ के ना लाइन को हिलाए, तो ये देखिए इससे चाहे इसको पकड़ के दूर ले जाए चाहे इस लाइन को पकड़ के जो है ना इस तरह ले जाए तो उतनी दूर जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसकी जो एंगल चेंज करना हो तो फिर इसको यहाँ से किसी कोने को पकड़े, इसकी एंगल चेंज करें यहाँ से, ये देखे ना एंगल चेंज हो रहा है। तो फिलहाल हम देखें इसको 90 पे रखते हैं, तो ये देखें 90 पे आ गया इस तरह। तो ये बड़ा फायदेमंद देता है, मतलब जब हम लिखते हैं ना कोई यहाँ देखें हम इस तरह लिखें, ये कार्ड वगैरह बनाने में बड़ा जबरदस्त होता है ऑप्शन। ये देखें यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी कोई लिखे उर्दू का जो है ना दरमियान में दावत शाह, तो इस तरह चले इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे देखें ये जो है ना यहाँ पे जाएं और दोबारा लाइब्रेरी में जाएं, इस तरह कुछ लाइब्रेरी निकालें, ये तो नहीं इतनी अच्छी, चलें बैक पे चलते जाते हैं दोबारा वो निकालते हैं। तो ये जो होता है ना ये कार्ड वगैरह जो होते हैं ना उसमें बड़ा इस्तेमाल होता है ये वाला, ये मैंने वैसे कार्ड बनाया था उसमें मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें जो था ना दरमियान में कुछ चीज़ लिखनी होती है तो मैंने कौन सा लिया था किसमें लिखा था मुझे भूल गया अभी, इसके कौन सा था मुझे खुद ही भूल गया, चलें ये इस तरह का कोई था, ये वाला था सॉरी, ये वाला याद आ गया, ये वाला था। देखें इसको बाहर निकालें इस तरह और इसको पहले यहाँ से ब्रेक कर लें, तो इसमें हेडिंग वगैरह लिखनी होती है ना इसको पहले पकड़ के इस तरह ले जाएं, ये देखें इस तरह करें, तो इसको भी कलर करना है तो ये कोई कलर दे लें यहाँ से, ये देखें कलर आ गया इस तरह। अभी इसका वो इसके दरमियान में कोई हेडिंग लिखनी है तो इसके दरमियान में कोई हेडिंग लिखनी है तो यहाँ से इसको पकड़ें पहले इसको मिरर कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएं इसको यहाँ पे जाएं रिपीट में जाएं इसको मिरर कर लें, ये मिरर हो गया। अभी इसको डबल क्लिक करें इसको सॉरी बाहर जाएं एक दफ़ा, ये मिरर हो गया, ठीक है। इस मिरर को जो है डबल क्लिक करें तो ये इसके मिरर के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। ये इसको डबल क्लिक करें ये मिरर के अंदर, अभी थोड़ा मजे की बात यह है कि जो एक में चेंज करेंगे ना ये देखें जो एक में चेंज करेंगे वो दूसरी में भी उसी तरह चलता है, ये फायदा है इसका, ठीक है। ये देखें इस तरह आ गया, अभी यहाँ यहाँ से उधर ऑटोमेटिकली मतलब के आज अभी इसके अंदर जो भी करते रहेंगे एक साइड पे फूल बनाए जो भी मर्जी बनाते रहेंगे, ये देखें उसको यहाँ से ये ले ले सारे, तो जो भी हम पैटर्न बनाएंगे ना वो इधर भी बनता जाएगा। और फिर क्या है कि इनको इसको जो पकड़ेंगे दरमियान वाला इसको पकड़ के जहाँ मर्जी ले जाएंगे उतनी दूर होता जाएगा इसका, और इसको पकड़ के उसी एंगल पे, तो इस तरह तो इसको थोड़ा सा दूर कर लें इस तरह, ठीक हो गया। और जब इस तरह हो जाएगा तो इसको बाहर क्लिक कर लें और जहाँ पे कुछ भी अंदर लिख लें, अगर आपको चेंज करना पड़े इसका कलर चेंज करें, देखें इसको डबल क्लिक करें इसका कलर चेंज करें तो दूसरे का भी मिरर का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और मिरर की फिर ऑप्शन इतनी नहीं है, ये बाहर जाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, अभी देखें मिरर को सिलेक्ट किया और जहाँ पे गए ऑब्जेक्ट में गए रिपीट में गए और जहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वही बस इसको रोटेट करना है, तो ये बस इतना सा है, इसको थोड़ा सा भी छोटा कर देख लें, तो ये बड़ा वैसे अच्छा इस्तेमाल होते हैं इसके। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है Adobe Illustrator 2021 में और वर्जन 25.2 में। तो ये हमारा हो गया रिपीट का ऑप्शन भी क्लियर जो कि पैटर्न से मिलता है। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।